2025 का दिव्य कुंभ महाकुंभ कराने को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे और साधु संतों से बात की। साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के सदस्य थे, महंत थे, अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी थे, उन लोगों से बातचीत की और किस तरह से दिव्य को कुंभ और महाकुंभ को भव्य बनाने की योजनाओं पर चर्चा की गई, किस तरह से की गई। हम सीधे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी से बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। News 24 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक थी जिसमें हमारे 13 अखाड़े उपस्थित रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है। जो भी हमारी मांगें थी, हमारी मांगें कोई अपनी नहीं होती, हमारी मांगें जनहित के लिए होती है। कहने का तात्पर्य है, जो भी हमने मांगे रखी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम इन पर विचार करेंगे और तुरंत जो है इसको रिलीज हम कर देंगे। और आपने देखा होगा इस समय जो प्रयागराज का जो कुंभ होने वाला है, हम सबका प्रयास है, हम सबका माना बहुत दिव्य और भव्य कुंभ हो। और सबसे बड़ी बात यह है, 2019 में जो प्रयागराज का कुंभ हुआ था उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वही थे जो भी है, और वो स्वयं एक संत है, पीठाधीश्वर है। हमें उनसे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कुंभ कराएंगे और करेंगे। आपने देखा होगा सबसे बड़ी समस्या हमारी शौचालय की होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है पिछले कुंभ से भी अच्छे शौचालय बना दिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे शौचालय की क्या वो व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आता है और हमारे जितने अखाड़े हैं, हर अखाड़ों में कैंप लगता है, हमारे जितने भी महात्मा होते हैं वो 3 साल में कमाते हैं और 3 साल में जो भी उनके पास धन होता है वो कुंभ मेले में खर्च करते हैं और शून्य से शुरू हो जाते हैं। तो खाने की यहाँ जो साधु संतों के पास दिक्कत नहीं होती है, अन्य क्षेत्र चलते हैं, हमारे जो लंगर चलते हैं, भंडार चलते हैं, परंतु जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए शौच की दिक्कत पड़ती है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसके लिए उचित से उचित व्यवस्था की जाएगी। महाराज जी, खास करके जिस तरह से कुंभ में बात की जा रही है, तमाम जो अपने जो शाही स्नान है उस पर जो नाम आ गए हैं, पेशवाई है जो उस पर नाम आ गए, उस पर लेकर साधु संत आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं, तो किस तरह से उस पर कुछ परिवर्तन की कुछ गुंजाइश? देखिए, जो शाही स्नान की बात है, मैं आपको कहना चाहूँगा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही अच्छे सनातनी है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। जब वो महाकाल में गए, महाकाल में पहुंचे, जितने भी वहाँ पंडित थे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आपको जो है शाही सवारी में आना है। मोहन यादव जी ने कहा भाई ये शाही का अर्थ क्या है, शाही तो उर्दू का शब्द है, क्या हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है? तो कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल उसी तरज पे हमने भी जो यहाँ प्रयागराज में जो हमारे शाही स्नान है, पेशवाई है, जितने भी उर्दू के शब्द है सबको हटा दिया जाएगा और उसमें जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी देववाणी है, उन्हीं को रखा जाएगा। और इसके लिए जो हम 13 अखाड़े हैं उसकी एक बैठक बैठेगी और बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या नाम उचित है, कौन सा नाम उचित नहीं है, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री हरिगिरी जी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से कुंभ को दिव्य भव्य बनाने की योजनाएं आप लोगों ने आज बात की और रखी। ऐसा है, कुंभ तो मतलब अपने आप में दिव्य और सब प्रकार से भव्य जो आप है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय भी है, जुझारू भी है, कर्मठी भी है, समय सीमा पे तमाम चुनौतियों को हंसते मुस्कुराते हुए देव दिवाली तक प्रयागराज, ऐसा विश्वास है कि एक सुंदर दिव्य सजी हुई नगरी प्रयागराज आएगी। तो पहला हमारा विषय प्रयागराज इसलिए है, स्टेशन है, धर्मशाले हैं, जितने लाखों लोग आएंगे पहले कहाँ रुकेंगे शहर में, उसके बाद जमीन का प्लाट कटेंगे, जमीन लेवल होगा, टेंट लगेगा, मगर आदमी रुकेगा कहाँ, इसलिए पहले प्रयागराज की चिंता की जाती है। जब इसकी ये सज सुवर जाती है, सुंदर स्वच्छ हो जाएगी, उसके बाद फिर जब तक गंगा माई कृपा करेंगी और गंगा माई अपने जगह पे प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करते हुए 99% जमीन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर देव दिवाली पर वो होगा। यह है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, आप लोगों से चर्चा की, तो आप लोगों ने अपने प्रस्ताव रखे किस तरह से और भव्य करने की जो आज योजना बनाई गई आप लोगों के साथ? भाई मेन तो जो है
सुरक्षा के लेकर चिंता व्यक्त किया गया। चुनौतियों को सामना है तो सुरक्षा है। विश्व में तमाम लोग कुछ भी सनातन के बोलने की परंपरा हो गई। इस टाइम जैसे युद्ध हो रहा है, कभी भी विश्व रूप में ट्रांसफर हो सकता है। इसको मेले पर उसका असर पड़ सकता है। ये सब कुछ बहुत बड़ी चिंताएं थी कि जो लोग कुंभ मेले में आए उनका आधार कार्ड हो, उनके आधार कार्ड लिंक किए जाए, हैं लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब तमाम चीजें आधार कार्ड को पहले ट्राई किया जाए, उसके बाद मेला क्षेत्र में। ये नहीं फर्जी आधार कार्ड ले लिया, उसका फोटो हटा दिया, अपना चिपका दिया और चल दिया, बोले जी आधार कार्ड देखा गया ना। आधार कार्ड को और कोई भी नकली चेहरा बनाकर मीडिया से आ जाए, IAS बनकर श्रीनगर में बहुत बड़ा कांड कर गया, नहीं अजाला वहां वकील बन के लखनऊ में टपका गया, और यहाँ दो संसद मर गए, मीडिया बन के टपकाया गया। तो ऐसा कुछ न हो जो यहाँ टपका दे मेले में। हम लोग बहुत डर भी रहे हैं प्रयागराज के मामले से, उत्तर प्रदेश सरकार से, ठीक है। इसलिए उम्मीद है कि मेला में कोई ऐसी घटना न हो। तमाम चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा के लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है किसी प्रकार की कुछ भी नहीं होगा, तमाम चीजें लगाई। ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री जी, जिन्होंने बताया कि दिव्य भव्य कुंभ बनाने के लिए काफ़ी बातों पर चर्चा हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, खास करके जो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो बातचीत है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उस तरह से कुंभ में सुरक्षा बढ़ाई जाए, जो लोग बाहर से आएंगे उनके जो आधार कार्ड है वो देखे जाएं, और अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर देने के बाद ही यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे, जो भी यहाँ पे कल्पवास करेंगे, उनकी निगरानी की जाए। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।